देखो जी, घूमो ऐसा बेंगलोर एयरपोर्ट जा रही हूँ और ये मैंने ली है बस, जो कि यहाँ पे फैसिलिटी है, ये फ्री फैसिलिटी है भैया, फ्री फैसिलिटी ना, अंडरस्टैंड हिंदी नो, कम आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ओके ओके, ज्यादा नहीं आता। आई एम सेइंग फ्री फैसिलिटी नो, दिस गाड़ी, तुम्हारा कुछ दिया तो काफी दिया था, नहीं तो ओके, बोल रहे हैं कि हमने कुछ दिया तो ठीक है, निकल फ्री है, एयरपोर्ट के अंदर तक छोड़ेंगे क्योंकि बाहर से व्हील चेयर नहीं मिलती कभी कभी, तो हम लोग ये गाड़ी ले लेते हैं, जो भी पैसेंजर लंबा नहीं चल सकते उनको अंदर तक छोड़ के आते हैं। तो चलो मेरे साथ बेंगलोर के, बेंगलोर टू बॉम्बे हमारी रात की फ्लाइट है 9:30 की और हम लोग 6 बजे पहुँच गए हैं जल्दी, इसलिए क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, जल्दी आ गए अंदर, आपके लिए वीडियो बनाऊँगी कुछ करूँगी और आपको एयरपोर्ट दिखाऊंगी, बेंगलोर एयरपोर्ट पहुँच गए जी हम यहाँ पर, यहाँ से होगी चेकिंग, अभी एंटर हो गए हम बेंगलोर एयरपोर्ट, अभी मैंने व्हील चेयर ले ली और अंदर आ गए, अब करेंगे बोर्डिंग सामान की। बेंगलोर एयरपोर्ट पे फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ एयर, हाँ ऑनलाइन, हाँ अब ये लेके जा रहे हैं हमारा सामान बोर्डिंग करने के लिए, बहुत अच्छी फैसिलिटी है बेंगलोर में, यस हाँ, अभी अंदर तक व्हील चेयर से लेके जाएंगे, उसकी एंट्री कराने के लिए गए हैं। देख रहे होंगे मैंने आज क्या लगाया है, बिंदी क्यों लगाई है, मैं मिली नीरू जी से, मेरे पेज पे जो नीरू जी हैं वो लगाती हैं, नीरू जी आपकी बिंदी लगा के आई हूँ, देखो पर्पल कलर मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सुबह से लगाई और इसमें मैंने कुछ शायरी भी पढ़ी, कुछ वीडियो भी बनाई, रील भी बनाई, तो सुबह से लगी थी, तो मुझे ध्यान नहीं था, मैं दोपहर को सो गई थी, नींद आ गई थी बहुत ज़्यादा, कल रात को पता नहीं क्यों 3 बजे नींद खुल गई थी और थकी हुई थी, सुबह नाश्ता करके सो गई और शाम को फिर 3 बजे मैंने खाना खाया, आज बहुत सालों के बाद दोपहर को 3:30 बजे दाल चावल खाए खूब सारे, पेट भर गया और हम लोग अभी 6 बजे और 6:00 हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट पर, ये एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टाइम होगा कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, कुछ लाइनें पढ़ूंगी, कुछ तो वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए, बाहर जब भी जाएं तो अपनी फैसिलिटी का ध्यान जरूर रखें, जो लोग चल नहीं सकते हैं बहुत बड़े एयरपोर्ट होते हैं तो व्हील चेयर जरूर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि व्हील चेयर जरूर लेने नहीं चाहिए, व्हील चेयर अपनी फैसिलिटी की होती है और व्हील चेयर के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, सिर्फ आपको आपको एक सीट दिखाती हूँ, कंप्यूटर से कोई मशीन दौड़ती आ रही है इधर छोटी सी, वो आपको दिखाती हूँ, ऑटोमेटिक सेल्फ वाली की कुछ, ये देखो ये दौड़ती जा रही है, ये छोटी सी रोबोट जैसी मशीन जा रही है देखो दौड़ते हुए, अभी आगे जाके उसको पकड़ती हूँ क्या चीज है, फ्री इंटरनेट भी रहता है, गूगल कर सकते हैं उसमें, फ्री इंटरनेट भी रहता है, वो घूमती जा रही है रोबोट जैसी छोटी सी मशीन, अभी उसके पीछे जाके देखते हैं क्या है। कभी भी अपनी फैसिलिटी के लिए कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जब भी एयरपोर्ट पे जाएं बोलिए हमको व्हील चेयर चाहिए, जो जिनको चलने को तकलीफ है, जो थक जाते हैं या जिनको लंबे से चलने से परेशानी है या जो इनको कोई बॉडी में इशू है, व्हील चेयर के कोई चार्जेस नहीं होते हैं, आपको सिर्फ टिकट बुक करते समय भी उसमें नोट करवाना है व्हील चेयर, नहीं तो एयरपोर्ट पे आके भी बोलेंगे तो भी दे देते हैं, नहीं तो सबसे बड़ी बात है आजकल एयरपोर्ट पे चार्जेस वाले पर्सन मिलते हैं व्हील चेयर वाले, जो कि आपसे चार्ज लेंगे प्राइवेट कंपनी के, उनको आप चार्जेस दीजिए 1000 रुपया या जो भी उनके चार्जेस हैं, तो पूरा एंड टाइम तक आपके साथ रहते हैं, मीन्स आपको अंदर बोर्डिंग कराएंगे एंड तक, जब तक आप प्लेन में बैठ नहीं जाते वो आपके साथ नहीं रहेंगे, जितना एक्स्ट्रा टाइम है आप शॉप पे घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, तो पूरी आपकी हेल्प करेंगे, तो ये फैसिलिटी हम लोग को जरूर लेनी चाहिए, इन छोटी छोटी बातों की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, पैसे खर्च देने चाहिए ताकि हम शांति से अपना सफ़र करें
और खुश होके करें। मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी ज़रूर कीजिए। अब दिखाती हूँ मैं आपको बेंगलोर एयरपोर्ट। ओके, बाय बाय, चलिए मेरे साथ। ऐसे ले जाते हैं लिफ्ट के अंदर। अभी ये लिफ्ट से जिस डोर से अंदर आते हैं उसी डोर से बाहर चले जाते हैं। देखो लिफ्ट चल रही है, यहीं से ओपन हो जाएगी, हम बाहर निकल जाएंगे। बेंगलोर एयरपोर्ट पे बहुत फैसिलिटी है। आते ही देखिए कितना सुंदर शिव जी की मूर्ति है। नहीं, शिव जी नहीं है, कोई और भगवान है ये। और जो लोग चलते हैं वो ऐसे स्टेयरकेस से आ जाते हैं। मैं भी बहुत चलती थी इसके ऊपर, लेकिन अभी मेरे को इस पे थोड़ा सा डर लगता है। बट बेंगलोर एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, बहुत हेल्पफुल है सब। यहाँ पे एयरपोर्ट पे फैसिलिटी मिलती है ना तो अच्छा लगता है। आपका नाम क्या भैया? जीवन। जीवन, और बेंगलोर में ही रहते हो? हाँ मैडम। कन्नड़? कन्नड़ा बोलते हो? बॉम्बे? बॉम्बे से आए हम लोग, मेरा सिस्टर है इधर। कन्नड़ा आता थोड़ा थोड़ा। ये है हमारा बेंगलोर एयरपोर्ट। बहुत रिलैक्स वाली सोफे चेयर लगी हैं। देखो सब लोग ऐसे आराम से बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अरे कॉफ़ी टी के स्टॉल बहुत बड़े बड़े, आजकल सब जगह पे बहुत बड़े एयरपोर्ट बने हैं। हम लोग बहुत जल्दी आए ना, अभी तो टाइम है ना। मैंने अपने व्हील चेयर वाले को रिक्वेस्ट की है कि हमको एक चॉकलेट भी लो यहाँ से। देखो जी सब चॉकलेट है इधर, पूरा चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। और शॉपर स्टॉप भी है, अरे वाह, शॉपर स्टॉप पे शॉपिंग कर सकते हैं। और आजकल एयरपोर्ट पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। मुझे सूटकेस भी छोटा एक लेना है, बट मैं अपनी सिस्टर का लेके आई हूँ। यहाँ पर देखते हैं कुछ डिस्काउंट है तो, लेकिन बॉम्बे जाके ही लेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी। देखो वॉच मिलती हैं। अच्छा, बड़े एयरपोर्ट पे आप देख रहे हैं कितना कुछ मिलता है। इधर इधर लीजिए तुम, यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी बैंगल दिखी है, वो देखती हूँ। अंदर ले, अंदर लीजिए। बुक्स हैं, बुक्स। थोड़ा आगे ना, बैंगल। ये देखो जी कितनी प्यारी ये बैंगल है। बस राउंड दे के बाहर ले लो। यहाँ पर पहले भी मैंने बुक्स ली हुई है लास्ट टाइम। यहाँ पर कप मिलते हैं, एक सेकेंड। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से शॉपिंग किया था तो मैंने बुक लिया था, कप लिया था ताजमहल वाला, अभी भी है देखो। गोवा कप देखो, ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। चलो थोड़ा
साइड मैडम, साइड प्लीज। हम लोग कभी भी जल्दी आएंगे ना एयरपोर्ट पे, तो ऐसे हम घूम के बुक्स ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखो जी, हमारे कुक की भी, संजय कपूर जी की भी बुक्स पढ़नी है। चलिए बाहर लीजिए। सुंदर सुंदर टेडी बियर्स। हाँ इधर इधर। हाँ रॉबर्ट है क्या इधर? ओ ये तो खिलौना है। ओ ये ले ले, ये सत्तर, ये ले ले, ये डॉगी लो सत्तर, डॉगी लो, कितना रख दे डॉगी सत्तर तो डॉगी। हाँ ये ले ले, कितने ना पूछ। चलो ये इसके पास नहीं है, ले ले। डॉगी का प्राइस हाँ राउंड करेगा। देखो जी कितने प्यारे प्यारे सुंदर टेडी बियर। ओह व्हाट इज दिस, नहीं वो गेम के पास लाना हो क्या है। ओ हेयर बैंड, की चेन, एक मिनट एक मिनट, ब्यूटीफुल की चेन, स्टार की चेन। ओ दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल की चेन। हाउ मच दिस किचन? 325। व्हाट मटेरियल दिस? नहीं खराब तो नहीं हुए? नहीं मैम। अंदर क्या है इसके अंदर? थर्मोकोल जैसे, थर्मोकोल जैसा, मीन्स बैंड होके ऐसा खराब तो नहीं होगा ना? खराब नहीं है ये स्टार। ये हाउ ऐसे में 325। ओके गिव मी